हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग क्या नाम है एक्सरसाइज 1.1 2.1 एंड 2.2 में हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़े थे। पहले 2.1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और दूसरे में रिलेशन के बारे में जाने थे। आज हम लोग सिर्फ फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन जो हमारा है, जो हमारा पूरा टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का नाम है, लेकिन हमने रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब फंक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन के बारे में हमने हमको यहाँ पर दो अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, दो मेथड से कैसे फंक्शन के डिफिनेशन निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमने एक एग्जांपल लिखा क्या, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 4, 5, 6। अगर एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें वो यही एग्जांपल लिया था, उसमें हमने रिलेशन निकाला था, तीन रिलेशन निकाला था, आपको याद होगा। अगर आप लोग अगर कोई जो रिलेशन नहीं पढ़ा है तो पहले फंक्शन पढ़ रहा, डायरेक्ट फंक्शन पढ़ रहा है, तो पहले हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि पहले वो एक्सरसाइज पढ़ लें, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लें, तब जाकर आपको फंक्शन समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सर से ऊपर से निकल जाएगा। तो हमने ये लिखा 1, 2, 3, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू क्या 4, 5, 6। हमने उसमें वहाँ पर बनाया था दो तीन रिलेशन बनाया था, उसमें कैसे बनाया था देखिए, आपको शायद याद होगा। आर इज इक्वल टू ए टू बी, आर वन इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट वाई इज़ ग्रेटर दैन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। हमने कहा था कि वाई की वैल्यू जो है एक्स से बड़ी है, तो रिलेशन हमको निकालना है वाई की वैल्यू हमेशा, तो वाई की वैल्यू अगर एक्स से बड़ी तो 1, 4 होगा, 1, 5 होगा, 1, 6 होगा, 2, 4 होगा, 2, 5 होगा, 2, 6 होगा, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 के साथ। देखिए सब में जो सेकंड वैल्यू है, जो वाई वैल्यू है, जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वही तो वाई होगा। देखिए वाई है सब में फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, देखिए सब में फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, तो ये बताया गया हुआ। वही एग्जांपल को हम रिपीट कर रहे हैं, कैसे फंक्शन के डिफिनेशन निकालते हैं अभी आप देखिएगा। आर टू इक्वल टू, ये भी डिफिनेशन लिए, ये भी हम रिलेशन लिखे थे, क्या लिखे थे, आर टू इक्वल टू एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, कि y की वैल्यू जो है x से 3 ज़्यादा है, इसमें ये कहा। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, ये सेट एलिमेंट, सेट a के एलिमेंट x हैं और सेट b के एलिमेंट क्या है, y है, ये सेट देखिए x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा, तो 1 और 4 आएगा क्योंकि y की वैल्यू 4 निकल कर आएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। ये पिछले पीछे हम यही एग्जांपल बता चुके हैं, ठीक है। 3 रखते हैं तो 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। हम इसी एग्जांपल का हमने वो लिया है, फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे बताएंगे भी। देखिए R3 एक और एग्जांपल लीजिए, R3 इक्वल टू कितना है, R3 ए टू बी, R3 की जो रिलेशन है ए से बी में है और R3 की वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर में, वाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 4, मतलब कि वाई की वैल्यू जो है एक्स से 4 ज़्यादा है और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स की वैल्यू और ए में बिलोंग करेगी और वाई की वैल्यू बी पर ली होगी, बी सेट की होगी, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू रखते हैं इसमें ए सेट की, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रखेंगे, 1 + 4 कितना होगा, 5, तो 1, 5। 2 रखते हैं, 2 + 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं, 3 + 4 = 7 होगा, क्या ये 7 जो आएगा, 3 और 7 जो 7 आएगा सेट बी में है, सेट बी में नहीं है, तो इसलिए R3 रिलेशन क्या होगा, वो होगा हमारा ये ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे यही आएगा। अब देखिए फंक्शन के डिफिनेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कि फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसा होता है, देखिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन होना जरूरी है, रिलेशन ही फंक्शन होता है, कैसे होता है वो स्पेशल टाइप क्या है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ए रिलेशन एफ, अब रिलेशन एक फंक्शन कब बनेगा वो बताया है, एक रिलेशन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो होगा वो फंक्शन जो होगा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन फंक्शन कब बनेगा बता रहा है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर कोई रिलेशन एफ है मतलब वो एफ बन रहा है, रिलेशन जो फंक्शन बन रहा है वो ए फ्रॉम ए से बी में है रिलेशन, वो इस कॉल्ड फंक्शन, वो फंक्शन कब कहलाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 and only 1 इमेज इन सेट बी। कह रहा है कि सेट ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इमेज रखते हों, सभी एलिमेंट हैज़ 1 and only। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्या नाम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एवरी एलिमेंट, क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट, ये बोल रहा है कि एवरी, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो पहला सेट के एलिमेंट होंगे, सेट ए मतलब पहला फर्स्ट सेट जो होगा, ठीक है, हैज़ वन
हैज़ वन एंड वनली वन इमेज इन सेट बी, कह रहा है कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इमेज रखते होंगे, हर एक एलिमेंट जो हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट देखिए एवरी लगा सारे एलिमेंट जो होंगे वो सिंगल इमेज रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर समझिए रिलेशन फर्स्ट में चलते हैं, देखते हैं अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं डायग्राम से। रिलेशन फर्स्ट का मतलब क्या, वन फोर, अब वन और फोर का मतलब क्या हुआ, वन की इमेज क्या है फोर है, हमने बताया था कि फोर इज द इमेज ऑफ वन, मतलब कि वन की इमेज फोर होगी और फोर जो होगा किसका प्री इमेज होगा, वन का प्री इमेज होगा, ठीक है। फोर इज द, देखिए वन की जो इमेज होगी वो फोर होगी, ठीक है, मतलब फोर इज द इमेज ऑफ वन और वन इज द प्री इमेज ऑफ फोर, वन जो होगा फोर का फिर प्री इमेज होगा, लेकिन वन की जो इमेज होगी वो क्या होगी फोर होगी, ठीक है, फोर की, फोर जो किसकी इमेज होगी, वन की इमेज होगी, ये हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पर वन की इमेज क्या होगी फोर होगी, तो अब यहाँ पर सेट ए में हम रिलेशन वन की, वन की इमेज फोर होगी, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये वन की इमेज फोर होगी, चलिए वन की इमेज कितनी है फाइव है, वन की इमेज फाइव भी है, ठीक है, अब वन की इमेज क्या है सिक्स है, वन की इमेज सिक्स भी है, अब यहीं पे रुक जाते हैं, अब आगे भी बढ़ सकते हैं, टू की इमेज कितनी फोर है, हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे, अब फिर डिफिनेशन चलते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट हैज़ वन एंड वनली वन इमेज, कह रहा है कि सेट ए के सभी एलिमेंट जो है, पहले हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए वन जो एलिमेंट सेट ए के जो एक एलिमेंट वन है, वन की इमेज क्या है फोर भी है फाइव भी है और सिक्स भी है, हमने वहाँ से रिलेशन बताया कि रिलेशन जो है स्पेशल टाइप ऑफ जो फंक्शन होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, अब ये रिलेशन तो है, हमने वहाँ पर रिलेशन दिखाया रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड वनली वन इमेज, कह रहा है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ एक ही इमेज रखेगा, तो वन के पास तीन इमेज है, देखिए वन के पास फोर इमेज फोर भी है, वन का इमेज फाइव भी है, वन का इमेज फाइव सिक्स भी है, तो क्या फंक्शन होगा, नहीं होगा, एक से ज़्यादा इमेज रखता है वन एंड वनली वन इमेज। ऐसे टू में देख लीजिए टू की इमेज क्या है, टू की इमेज देखिए फोर है, टू की इमेज कितनी है, टू की इमेज फाइव भी है, टू की इमेज सिक्स भी है, तो टू की इमेज फोर भी हो गई, टू की इमेज फाइव भी हो गई और टू की इमेज सिक्स भी होगी, ठीक है। देखिए हर एक एलिमेंट की तीन तीन इमेज है, थ्री की एलिमेंट फोर भी है, थ्री की एलिमेंट फाइव भी है, थ्री की एलिमेंट सिक्स भी है, तो मतलब देखिए यहाँ पर इसमें यह दिख रहा है कि मतलब कि सिंगल इमेज नहीं रखता है, वो एक से ज़्यादा इमेज रखता है, इसलिए नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा ये, क्योंकि एक से ज़्यादा इमेज रखता है कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे एक से ज़्यादा इमेज रखता है। देखिए वन की कौन कौन इमेज है, वन की फोर भी इमेज है, वन की फाइव भी है, वन की सिक्स भी है, टू की फोर भी इमेज है, टू की फाइव भी इमेज है, टू की थ्री सिक्स भी इमेज है, ठीक है, ऐसे थ्री की भी है। अब देखिए रिलेशन टू क्या है, रिलेशन टू अब देख लीजिए थोड़ा सा, अब इसको भी समझा देते हैं कि वन फोर है रिलेशन टू में जो है जो ऑर्डर पेयर निकल कर रहा है वन फोर और टू फाइव थ्री सिक्स, अब यहाँ पर देखते हैं चेक करते हैं रिलेशन टू थोड़ा देखिए, यहाँ रिलेशन टू वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स, वन की इमेज क्या है फोर है, वन की इमेज फोर, वन की इमेज क्या है फाइव, वन टू की इमेज कितनी फाइव और थ्री की इमेज क्या है सिक्स। देखिए हर ए का हर एक एलिमेंट तीनों के तीनों एलिमेंट देखिए सिंगल सिंगल इमेज है, वन की सिर्फ फोर ही इमेज है, वन की टू की कौन सी इमेज है फाइव है सिर्फ, थ्री की कौन सी इमेज है सिक्स इमेज है, इसका मतलब ये रिलेशन है, रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वन की क्या है फाइव इमेज है, वन की फाइव है, क्लियर है। देखिए रिलेशन थ्री में देखिए, रिलेशन थ्री में देखिए वन की फाइव है और टू की क्या है सिक्स है, देखिए रिलेशन थ्री की नहीं हमने निकाला, हमने इसलिए बारी बारी सबको कर रहे हैं, ठीक है, वन की फाइव इमेज है फाइव कर दिए और टू की कितना सिक्स है, टू की सिक्स है, अब यहाँ पर समझिए बात को, ठीक है, अब यहाँ पर टू वन की फाइव इमेज है और टू की सिक्स इमेज है, अब थ्री बच गया यहाँ पर, लेकिन समझिए बात को, यहाँ पर कह रहे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, कह रहा है कि एवरी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट इमेज रखते हैं, सिर्फ एक इमेज रखते हैं, सभी एलिमेंट रखना चाहिए, यहाँ पर एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट तो छूट गया, तीन छूट गया, तीन का कोई इमेज ही नहीं है, इसका मतलब नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन, क्लियर है, नॉट ए रिलेशन, थोड़ा सा पेन नहीं चल रही है, नॉट ए
रिलेशन, नॉट ए रिलेशन, रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ जो रिलेशन कौन होगा आर टू, जो नॉट ए रिलेशन नहीं था, नॉट ए फंक्शन, सॉरी नॉट ए फंक्शन, रिलेशन तो है, फंक्शन, फंक्शन नहीं होगा स्पेशल, रिलेशन जो होगा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। अब रिलेशन कब होगा कि हमने बताया, अभी बताया, डिफिनेशन पढ़ी है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट जो होंगे वो वन एंड वनली वन क्या हो, इमेज रखता हो, वन एंड वनली वन इमेज रखता हो। तो इसके पास तो वन की इमेज क्या है, फाइव है, वन की इमेज फाइव है, और टू की इमेज क्या है, सिक्स है, यहाँ से वन की इमेज फाइव, टू की इमेज सिक्स, लेकिन थ्री की कोई इमेज है ही नहीं, सभी एलिमेंट होना चाहिए, इमेज सिंगल इमेज रखता हो, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि वन की इमेज ये सिंगल इमेज है, ये भी इसकी सिंगल इमेज ये है, इसकी सिंगल इमेज ये है, तो इसलिए ये सब सभी एलिमेंट इमेज है, तो क्या नाम, अरे सभी एलिमेंट जो सेट ए के हैं वो इमेज रखते हैं, इसलिए रिलेशन है। अब थोड़ा सा एक और डिफिनेशन देख लेते हैं, एक और डिफिनेशन देते हैं कि अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, ए रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन अगर ए से बी में है वो फंक्शन कब कहलाएगा, इस सेट टू बी फंक्शन, देखिए रिलेशन फंक्शन कहलाता है, मतलब कि हमने कहा था रिलेशन जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो होगा वो फंक्शन कहलाएगा, अब वो फंक्शन कब कहलाएगा, थोड़ी दूसरी सी इमेज हमने वहाँ पर बताया क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड वनली वन इमेज ऑफ इन सेट बी, कह रहा है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के सेट बी से इमेज रखता हो, सभी एलिमेंट सिंगल इमेज रखता हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस सेट टू बी फंक्शन व्हेन डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, अगर डोमेन क्या हो, सेट ए के इक्वल हो जाए। अब देखिए सेट ए क्या है, सेट ए कितना है, वन टू थ्री, अच्छा यहाँ पर डोमेन कितना, सेट ए जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, डोमेन कितना, वन टू थ्री, ये इसका डोमेन जो निकल कर आ रहा है सेट ए के इक्वल है कि नहीं, डोमेन जो निकल कर आ रहा है, डोमेन जो निकल कर आएगा कितना आएगा, वन टू थ्री, और यही सेट ए के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन था, तो इसका मतलब सही था हमारा। दूसरा क्या पूछ रहा है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सम फर्स्ट एलिमेंट, कह रहा है कि कोई दो ऑर्डर पेयर जो हो वो उसका पहला एलिमेंट सेम ना हो, कोई दो ऑर्डर पेयर, कोई भी दो ऑर्डर पेयर लीजिए, देखिए दो ऑर्डर पेयर कोई ऐसा, कोई भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं है, देखिए वन यहाँ पहला एलिमेंट वन है, यहाँ पर कितना दो है, यहाँ पर कितना तीन है, अच्छा देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए, ये हमने कहा था कि आर वन जो है रिलेशन फंक्शन नहीं है, देखिए इसका ऑर्डर पेयर जो है ऑर्डर, इसका डोमेन तो सेट वन है, देखिए डोमेन कौन है, वन टू थ्री, पहला तो बिलोंग कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि ऑर्डर पेयर का कोई दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, देखिए ये कोई ये दो ऑर्डर पेयर ले लीजिए, इसके फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट सेम है, वन वन, इसको इसको देख लीजिए टू टू, इसको इसको देख लीजिए टू टू, थ्री थ्री, थ्री थ्री, थ्री थ्री, देखिए पहला एलिमेंट सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए कहीं भी अगर सेम आया था पहला एलिमेंट, कोई दो ऑर्डर रिलेशन में कोई दो ऑर्डर पेयर करके फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो फंक्शन नहीं कहलाता है, अगर डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं होता तो वो क्या फंक्शन नहीं कहलाएगा, कोई एक कंडीशन अगर इसमें से फेल कर गई तो वो नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए रिलेशन में थर्ड में देखिए, थर्ड वाला क्या है, रिलेशन थ्री क्या है, डोमेन क्या कह रहा है, डोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, सेट ए के इक्वल होना, सेट ए कितना है मेरा, वन टू थ्री है ना, देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए सेट ए कितना है, वन टू थ्री, वन टू थ्री है, और इस रिलेशन में डोमेन कितना आएगा, वन टू आएगा, सेट ए के इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने के लिए कैसे समझेंगे, जो कभी आपको ज़िंदगी भर याद रहे कि कौन रिलेशन हो सकता है, देखिए कि अगर सेट ए सेट बी है, सेट ए के सभी इमेज सभी एलिमेंट जो है इसके साथ इमेज रखता हो, सेट बी के साथ पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, और सिंगल इमेज रखता हो, सिंगल मतलब कि इसके सभी एलिमेंट इसके साथ होना चाहिए, सभी इस पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये कंडीशन अगर ये आती है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज आती है, एक ही एलिमेंट की ऐसी कंडीशन अगर आती है तो वो रिलेशन नहीं होगा, वो रिलेशन नहीं होगा। अगर ऐसी दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, दो एलिमेंट की, देखिए समझिएगा इसको, एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, रिलेशन में दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, लेकिन क्या नाम है, दो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, हमने बताया अभी ऊपर बताया, ये तो ऊपर बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया, तो ये याद रखिएगा कि ये कंडीशन नहीं हो सकती, मतलब कि दो दो नहीं, ये हो सकती है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो
याद रखिए कि ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। खैर हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसका भी और थोड़ा सा एक और विजुअल फॉर्म पढ़ेंगे, एक दूसरा अप्रोच पढ़ेंगे कि रिलेशन फंक्शन को कैसे आप अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी फंक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो फंक्शन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले आप रिलेशन पढ़िए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़िए, तब जाके फंक्शन को आप समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू।